हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शं नौ मित्र शं वरुणः शं नौ भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नौ विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तामवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्कराचार्य ॐ नमः श्रीशङ्करानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्रीशङ्करानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 193 पतिजायादिकं सर्वं तत्तद्भोगाय नेच्छति तत्तद्भोगाय नेच्छति किन्त्वात्मभोगार्थं किन्त्वात्मभोगार्थं इति श्रुता उद्घोषितं बहु नेक्स्ट किंकूटस्थश्चिदाभासः अथवा किं उभयात्मकः अथवा किं उभयात्मकः भोक्ता तत्र न कूटस्थः भोक्ता तत्र न कूटस्थः असंगत्वात् भोक्तृतां व्रजेत् असंगत्वात् भोक्तृतां व्रजेत् कस्य कामाय शरीरम सम अनुज्वरेत कस्य कामाय ये वाक्य का हम विश्लेषण कर रहे हैं तो पहले तो यही प्रश्न उत्पन्न होगा आत्मनः भोक्तृत्व प्रतिषेधः तत् प्रतिशक्ति प्रसक्ति पूर्वकः वक्तव्यः आगे मैंने कहा ना प्रसक्तस्य प्रतिषेधः जो संभव है उसी का हम निषेध कर सकते हैं अब तो बोले आत्मा जो है वो कूटस्थ असंग चैतन्य है तो
उसका असंग चैतन्य में भोक्तृत्व कैसे हो सकता है? सा तु न विद्यते असंगत्वादात्मनः। तो कल हमने देखा, हम नहीं कह रहे आत्मा भोक्ता है, आप समझो, शास्त्र में भी यही चर्चा है, कल हमने देखा। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तो वहां आत्मा को भोक्ता के रूप में निरूपण किया गया है। आपको पति प्रिय है, वो पति पति के लिए प्रिय नहीं, आपकी प्रसन्नता के लिए, आप जो भोक्ता है वो भोक्ता के लिए। हम देख, और इसलिए कहा आत्मभोगार्थमेव। तो आत्मा के भोग के लिए, माने कि वो भोक्ता, भोक्तृत्व है आत्मा में। इति वाक्य संदर्भेण भोक्तृत्व प्रसक्ति ही, कल कहा ना, दो दृष्टि है, एक लौकिक व्यवहारिक दृष्टि से जिसमें 99.99% लोग जो है वो ऐसे ही जी रहे हैं। आत्मा का, आत्मा जो है, आत्मा मानिए आप स्वयं, सब लोग अपने को क्या समझते हैं, सर्व के मन में एक ही समान, एक समान भाव है, मेरे जन्म हुआ, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं दुखी हूं, दुख से छूटने के लिए इतने इतने कर्म मुझे करना है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। अब तो जो लौकिक दृष्टि से आत्मा में भोक्तृत्व है, अब और इसीलिए आत्मा में भोक्तृत्व जो हमने देख रहा है, आत्मा का भोक्तृत्व जो है वो श्रुति माता स्वयं दर्शाती है। और इसलिए कहा श्रुतौ उद्घोषितम बहु, अनेक प्रकार की श्रुति जो है इस प्रकार से उद्घोषित, उद्घोषित माने कि स्पष्ट रूप से वो दर्शाते हैं, हमें स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इस प्रकार से आत्मा में भोक्तृत्व है और वो भोक्ता के लिए ही सर्व प्रकार के कर्म हो रहे हैं। अब और इसलिए कहते हैं कि ये वाक्य के द्वारा, श्रुति माता का ये वाक्य जो है वो हमें दर्शाते हैं कि आत्मा में भोक्तृत्व है, आप समझो। लेकिन अगर भोक्तृत्व है, आप समझो, तो कल जो मैंने कहा कि वो भोक्तृत्व कहाँ है, कैसे है, क्योंकि आत्मा असंग है। अब देखो, और इसीलिए किम कूटस्थ चिदाभास अथवा किम वा उभयात्मक भोक्ता। तो बोले कि ये तीन संभावना है। पहली संभावना ये है कि जो भोक्ता जो है, कूटस्थ है भोक्ता, ये जो असंग कूटस्थ चैतन्य जो है वो भोक्ता है, या चिदाभास है, बुद्धि में जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो प्रतिबिंबित जो चैतन्य चिदाभास है वो भोक्ता है क्या, या वा अथवा उभयात्मक है, कूटस्थ और चिदाभास दोनों मिलके ही भोक्ता बनाते हैं। अब ये शास्त्र की विश्लेषण की एक प्रक्रिया है, पहले क्या क्या संभव है हमें दर्शा देते हैं। कूटस्थ भोक्ता है, चिदाभास भोक्ता है, या कूटस्थ और चिदाभास दोनों भोक्ता है। तत्र तत्र माने इस विषय में अगर हम विश्लेषण करते हैं, तत्र न कूटस्थः, कूटस्थ में भोक्तृत्व नहीं है, असंगत्वात्, क्योंकि चैतन्य तो असंग चैतन्य है। अब देखो, असंग निर्विकारी चैतन्य में भोक्तृत्व संभव ही नहीं है, आप समझो, क्योंकि भोक्ता जो है वो विकारी होता है, जब तक वो विकार नहीं आएगा, अब देखो, विकार माने परिवर्तन, तो वो परिवर्तन हम देखते हैं, विकार हम देख रहे हैं, और कूटस्थ है वो असंग है, निर्विकारी है, और इसीलिए भोक्तृताम व्रजेत, और इसीलिए भोक्तृत्व का व्रजेत माने कि वो छोड़ देता है, माने भोक्तृत्व है ही नहीं, संभव नहीं है, आप समझो, क्योंकि कूटस्थ असंग है। तो बोले कि तो फिर भोक्ता है क्या, आप किसको भोग कहेंगे, अब देखो, कूटस्थ में भोग भोक्तृत्व संभव नहीं है, क्योंकि वो असंग है, निर्विकारी है। अब देखो, तो
बोले तो फिर ये जो भोग हम जिसको कहते हैं, तो आत्मा में आप कहते हो आत्मा कूटस्थ चैतन्य है, तो फिर भोक्तृत्व जो श्रुति माता स्वयं कहती है कि आत्मा के भोग के लिए ही आत्मनस्तु कामाय, ये सब करने हैं। तो श्रुति माता आत्मा में भोक्तृत्व दर्शाती है, आप समझो। और निर्विकारी चैतन्य अगर है तो भोक्तृत्व आत्मा में संभव ही नहीं है, क्योंकि दोनों परस्पर कैसे विरोधी हैं। भोक्तृत्व कहेंगे, असंगता कहेंगे, निर्विकारिता हम कहेंगे, तो फिर वो तो विरोध हो गया। एक तरफ आप कह रहे हो कि चैतन्य निर्विकारी है, जो विकार हो रहा है ये शरीर में हो रहा है, जो विकार हो रहा है मन में हो रहा है, चैतन्य तो निर्विकारी है। अविकारी हो ये मुच्यते भगवान भी कहते हैं। तो आत्मा अविकारी है और फिर आप कहते हो कि भोक्तृत्व भी आत्मा में है, वो कैसे संभव होता है आप समझो, क्योंकि लौकिक दृष्टि से तो आत्मा में भोक्तृत्व है। आप देखो भले वो लौकिक दृष्टि से है, लेकिन लौकिक दृष्टि से भी वो आत्मा में भोक्तृत्व कैसे आया, और इसीलिए आगे के श्लोक में हमें समझाते हैं कि ये विरोधाभास जो हम देख रहे हैं वो विरोधाभास क्यों है। देखो इसीलिए मैं आगे कहता हूं, आपको अभोक्ता बनना नहीं है, आप अभोक्ता आत्मा है, आपको अकर्ता बनना नहीं, आप अकर्ता आत्मा है, आप समझो। लेकिन आप नहीं जानते हो क्यों नहीं, इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, श्लोक पढ़ेंगे। सुखी दुख्य विमानाख्य है, सुखी दुख्य विमानाख्य है, विकारो भोग उच्यते, विकारो भोग उच्यते, कूटस्थश्च विकारी चेत, कूटस्थश्च विकारी चेत, तन्न व्याहतम कथम ये इति, एतन्न व्याहतम कथम, एतन्न व्याहतम कथम। तो पहले ये समझो कि भोग क्या है, क्योंकि भोक्ता जिसको हम कह रहे हैं, वो जो भोक्ता है वो भोक्ता में विकार हो रहा है। क्यों? सुखी दुखी अभिमानाख्य है। अब मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, अभिमान, अभिमान मानी अहम बुद्धि करना। आप समझ, हर एक व्यक्ति ऐसा समझती है, मैं दुखी हूं मुझे सुखी होना है। तो जो सुखीपना दुखीपना जो है उसके कारण ये भोग संभव है। आप समझ, सुख दुखी अभिमान आख्य विकार भोग उच्यते, सुखी या दुखी उस प्रकार से जो परिवर्तन भोक्ता में आता है वो विकार आ रहा है, वो विकार को ही हम भोग कहते हैं। आपको सुखी होना नहीं है, आप समझो, आप सुख स्वरूप है, लेकिन अपने आप को सुख स्वरूप न जान के, अपने को आनंद स्वरूप न जानने के कारण निर्णय कर लिया, मैं दुखी हूं अभी मुझे सुखी होना है। तो ये सुखीपना जो अभिमान अहम बुद्धि करते हैं ना, सुख एक बात है, लेकिन सुख में जब अहम बुद्धि हम करते हैं तो मैं सुखी हूं, अब समझ गए। दुख एक बात है, लेकिन दुख को अपने आप पर अध्यारोप करके वो उसमें अहम बुद्धि करके क्या कहते हैं, मैं दुखी हूं। सुख दुख तो है ही, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप ये जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन उसमें हम अभिमान अहम बुद्धि करके बैठते हैं, इसलिए सुख में हम सुखी हो जाते हैं, दुख में हम दुखी हो जाते हैं। अब अ
अन्य कोई आपके बारे में कोई अभिप्राय नहीं बना रहा है, आप समझो आपने ही अपने बारे में अभिप्राय बना के रखा है। मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अंध हूं, मैं बधिर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। ज्ञानीपना में भी भोग है आप समझो, क्यों? क्योंकि विद्या का आनंद वहां पर है, कर्म करने में भी आनंद है, वहां पर भी जो कर्म कर रहा है वहां मैं कर्म कर रहा हूं उसका आनंद है कर्म करने में। और कई बार कर्म करने की इच्छा नहीं होती है फिर भी कर्म करना पड़ता है तो वो दुखी हो जाता है आप समझो। तो कर्म है, भोग है, ज्ञान है, सब जगह पर हम अहम बुद्धि करके बैठे, अभिमानाख्य है भोग है। जो अभिमान करके हम जो बैठे हैं वो जो विकार हमारे अंदर जो आ रहा है उसे ही भोग कहते हैं। भोग नाम की कोई वस्तु है ही नहीं आप समझना, फिर भी भोग है। अब बाहर तो भगवान ने बनाया हुआ सुंदर जगत है लेकिन जिसके प्रति आपके मन में राग है वो आपका भोग का विषय बन जाता है। आप समझ, भोक्ता जिसको हम कहते हैं वो भोक्ता जो है वो सुखी दुखी ज्ञानी अज्ञानी आप, और इसलिए कहते हैं इस प्रकार के जो विकार है उसे भोग कहते हैं। लेकिन कूटस्थ आत्मा कूटस्थ विकारी चेत, और अगर आप समझते हो कि वो जो भोक्तृत्व आत्मा में है वो कूटस्थ चैतन्य है इति चेत, अगर ऐसा आप समझ रहे हैं कि कूटस्थ में भोक्तृत्व है क्योंकि कूटस्थ ही तो कह रहा है, आत्मा ही तो कह रहा है मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं। अब धन आपको प्राप्त करके ऐसा धन नहीं कह रहा है कि मैं सुखी हो गया, इतने उदार व्यक्ति के घर में रहता हूं। अब जो भोक्तृत्व है वो आप में है लेकिन भोक्तृत्व तो विकार है, और इसलिए आत्मा तो निर्विकारी चैतन्य है। और इसलिए अगर आप कहेंगे कि कूटस्थ भोक्ता है तो कूटस्थ आपका विकारी हो जाएगा, और विकारी हो गया तो क्या होगा? इति चेत न व्याहृतम कथम, न संभव नहीं है। क्यों? व्याहृतम कथम, व्याहृतम माने क्या है? वदतो व्याघात है, बोलने में ही विरोधाभास है। तो वेदांत में बहुत सुंदर है एक वदतो व्याघात है, उसके लिए वाक्य क्या है? एक व्यक्ति स्वयं कह रही है, क्या कह रही है? मम मुखे जिह्वा नास्ति, अब वो बोल रही है मम मुखे जिह्वा नास्ति। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य बराबर है, ठीक है, योग्य है वाक्य रचना जो वो योग्य है मम मुखे जिह्वा नास्ति, लेकिन अर्थतः अगर हम देखते हैं तो वो संभव नहीं है क्योंकि वो बोल रहा है तो जिह्वा अगर नहीं है तो वो बोलेगा कैसे? अब देखो वदन क्रिया जो है वो जिह्वा के कारण ही होती है, तो अगर वो कहेगा मम मुखे जिह्वा नास्ति तो वाक्य तो ठीक है व्याकरण की दृष्टि से लेकिन अर्थतः वो असंभव है। अब तो बोलने में ही विरोधाभास है, समझो, अगर वो कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है तो वो बोलने में ही विरोधाभास है क्योंकि अगर मुख में जिह्वा नहीं तो वो कैसे बोलेगा। उसी प्रकार से अगर आप कहेंगे कूटस्थ भोक्ता है तो आपका कूटस्थ विकारी हो जाएगा, लेकिन कूटस्थ विकारी नहीं है, कूटस्थ असंग है निर्विकारी है। कूटस्थ शब्द का अर्थ ही है यह निर्विकारी, कूटवत तिष्ठति इति कूटस्थ है, और इसलिए कहते हैं कि अगर आप कूटस्थ को भोक्ता कह देंगे तो बोलने में ही विरोधाभास हो जाए, और इसलिए कहते हैं व्याहतम कथम न व्याहतम इति चेत,
ये तत् कथम न व्याहत, तो फिर ये बता तो व्याघत क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा। आप देखो, और इसीलिए कूटस्थ में भोक्तृत्व संभव नहीं है। जो अपने को सुखी कह रहा है, जो अपने को दुखी कह रहा है, सुख में जिसने अहम बुद्धि करके रखी है, वो भोग है, वो भोगता है, आप समझो। तो बोले कि तो फिर कूटस्थ अगर भोगता नहीं है तो क्या चिदाभास भोगता है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं, विकारी बुद्धि दीनत्वात्, विकारी बुद्धि दीनत्वात्, आभासे विकृतापि, आभासे विकृतावपि, निरदिष्ठान विभ्रांति ही केवला नहि तिष्ठति, केवला नहि तिष्ठति। आत्मा कूटस्थ चैतन्य है, माने कि आप कूटस्थ चैतन्य है, तो आपके अंदर वो भोक्तृत्व संभव नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या बुद्धि जो चिदाभास है वो भोक्ता है? तो बोले विकारी बुद्धि अधीनत्वाद आभासे विकृता विकृतौ अपि, बुद्धि स्वयं जो है विकारी बुद्धि, आते आपकी बुद्धि विकारी है, वो विकारी बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, वो चिदाभास है, और वो चिदाभास जो है वो चिदाभास में भी परिवर्तन आता है, सुखी दुखी ऐसे विकृति आती है, विकृति माने की वो सुख दुख का परिवर्तन होता है, कभी शांत है, कभी क्रोधी है, कभी कामी है, कभी लोभी है, कभी सुखी है, कभी दुखी। अब देखो, तो बोले कि जो विकृत हो, अभी बुद्धि में विकारिता माने कि विकार है, आप समझो। तो बुद्धि में जो विकार है चिदाभासे विकृतवपि, तो वो चिदाभास में भी जो सुखी दुखी पना जो है वो हमें दिख रहा है, और इसीलिए चिदाभास भोगता है। अपमान कुटस्थ चैतन्य भोगता नहीं है, आत्मा भोगता नहीं है, ठीक है। तो फिर अब चिदाभास को भोगता कह दो, तो बोले चिदाभास को भी हम भोगता नहीं कह सकते, क्यों? निरधिष्ठान विभ्रांति ही केवला नहीं तिष्ठति। देखो ये वाक्य अगर आपको समझ में आ जाए ना, बहुत कुछ छूट जाएगा आपसे। अब हमें समझना है, किसी भी प्रकार की जो भ्रांति होती है वो भ्रांति निरधिष्ठान है, उनका कोई अधिष्ठान है? अब किसी को ऐसे ही हवा में सर्प बुद्धि नहीं होगी, सर्प में सादृश्यता उसको कहते हैं, जिस प्रकार के सर्प लंबा होता है, सर्प में वक्रता होती है, उसी प्रकार से जो रज्जु है, जो रस्सी है, वो भी लंबी है, उसमें भी वक्रता है। तो सादृश्य पना के कारण वो रस्सी में हम सर्प बुद्धि करते हैं, तो सर्प बुद्धि का अधिष्ठान रस्सी है। जहां पर भी भ्रांति होती है वो भ्रांति का अधिष्ठान होना चाहिए। हवा में कुछ भी नहीं होता, आप समझना, ब्रह्मसूत्र में शंकराचार्य जी यही कहते, आप समझ। गरम रेत है या गरम मार्ग है तो हमें मृगजल दिखेगा, तो वो गरम हवा जो है, गरम रेत जो है, वो अधिष्ठान है जहां पर हमें मृगजल दिख रहा है, और इसलिए कहते हैं केवला नहि तिष्ठति भ्रांति, भ्रांति अकेली नहीं रह सकती है, निरधिष्ठान नहीं हो सकती है, उनका अधिष्ठान तो होना ही चाहिए। हम जो विकारी बुद्धि है, जो विकारी बुद्धि में दुखी पना सुखी पना जो है, उनका अधिष्ठान होना चाहिए। लेकिन एक सीधा नियम है,
विकारी का अधिष्ठान विकारी नहीं हो सकता है। अनवस्था दोष है क्या हो जाएगा? विकारी बुद्धि जो है उनका अधिष्ठान अगर विकारी है तो वो विकारी के लिए दूसरा आपको अधिष्ठान विकारी चाहिए, वो विकारी अधिष्ठान के लिए दूसरा विकारी अधिष्ठान होना चाहिए। अनवस्था दोष अनंत चलता रहेगा वो। और इसीलिए जो विकारी है उनका जो अधिष्ठान है वो हमेशा निर्विकारी होता है। अब समझो ये ठीक से, बहुत सुंदर है ये। क्यों? क्योंकि निरधिष्ठान भ्रांति संभव है ही नहीं। उसी प्रकार से अगर आप कहते हो कि चिदाभास जो है वो चिदाभास में भोक्तृत्व है, क्योंकि वो चिदाभास जो बुद्धि बुद्धि जो है जिस बुद्धि में ये चिदाभास दिख रहा है वो बुद्धि स्वयं विकारी है, और बुद्धि विकारी है और इसलिए चिदाभास भी विकारी है, और उसी लिए उसमें भोक्तृत्व है क्योंकि वो विकारी है। तो बोले कि नहीं वो भी नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि चिदाभास जो है वो केवल जो भ्रांति है वो अकेले नहीं रह सकती है, उनका भी अधिष्ठान होना चाहिए। वो कुटस्थ चैतन्य जो है वो उनका अधिष्ठान है। देखो इसलिए वेदांत में कई बात ऐसी है, बहुत सरल है। आप देखो आप जगत देख रहे हो, स्वामी जी हमेशा कहते थे विदाउट सीइंग द क्ले यू कैन नॉट सी द पॉट, विदाउट सीइंग द थ्रेड यू कैन नॉट सी द क्लॉथ। आपको ये कपड़ा दिख रहा है तो उनका जो उपादान कारण जो है तंतु जो है वो भी आपको दिख रहा है। उपादान कारण के दर्शन के बिना कार्य के दर्शन नहीं हो सकता। जल के दर्शन के बिना तरंग का दर्शन संभव नहीं है। उसी प्रकार ये जो बुद्धि में चिदाभास हमें दिख रहा है तो वो चिदाभास चैतन्य का प्रतिबिंब है, तो बिंब चैतन्य उनका अधिष्ठान है। आप समझो तो अकेला चिदाभास तो है ही नहीं, तो वो अकेला चिदाभास भोक्ता कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो तो निरधिष्ठान नहीं होता, अधिष्ठान उनका है। और इसीलिए अकेली बुद्धि या अकेला चिदाभास कभी भी भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वो अकेला कभी भी उपलब्ध है ही नहीं, उनके अधिष्ठान चैतन्य की आवश्यकता है। और इसलिए चिदाभास में भोक्तृत्व संभव नहीं है, कूटस्थ आत्मा में भोक्तृत्व संभव नहीं है। तो अब जो तीसरा पक्ष है वो दर्शाते हैं आगे के श्लोक। उभयात्मक एवातः उभयात्मक एवातः लोके भोक्ता निगद्यते लोके भोक्ता निगद्यते तद्रुगात्मानमारभ्य तद्रुगात्मानमारभ्य कूटस्थशेषितश्रुतौ कूटस्थशेषितश्रुतौ। बहुत सुंदर। उभयात्मकः एव अतः लोके भोक्ता निगद्यते कूटस्थ चैतन्य और बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदाभास जो है वो चिदाभास में ये कूटस्थ चैतन्य ने अहम बुद्धि करके रखी है, तो वो दोनों मिलके भोक्ता बनाते। आप समझो केवल चिदाभास भी भोक्ता नहीं है, केवल कूटस्थ चैतन्य भी भोक्ता नहीं है, ये दोनों मिलके भोक्तृत्व बनाते हैं। और इसलिए कहते हैं निगद्यते निगद्यते माने व्यवहार में हम इस प्रकार से व्यवहार हम करते हैं, निगद्यते ऐसे कहते हैं व्यवहार में उसी को कहते हैं लोके भोक्ता। कूटस्थ चैतन्य और चिदाभास जो है वो दोनों परस्पर में अध्यारोप होके ये भोक्ता बनता है। स्वयं चिदाभास जो है जड़ है इसलिए भोक्तृत्व संभव नहीं है, कूटस्थ चैतन्य निर्विकारी है इसलिए उसमें भी भोक्तृत्व संभव नहीं है। और इसलिए कहते हैं उभयात्मकः एव अतः अतः
इसके कारण उभयात्मक ही भोक्ता है। तादृगात्मनमारभ्य, और ये सबका अनुभव है। अब सुखी दुखी पना जो है, या मैं दुखी हूं मैं आनंद में हूं, ये जो भोक्तृत्व है, भोक्तृत्व भी अनेक प्रकार से आप समझ रहे। पुत्र को देख के पिता को जो आनंद होता है वो पिता का भोक्तृत्व है। भोजन देख के हमें आनंद होता है वो भी भोक्तृत्व है। और इसलिए कहते हैं कि केवल कुटस्थ भोक्ता नहीं बन सकता, केवल चिदाभास स्वयं पर प्रकाश जड़ होने के कारण, विकारी होने के कारण वो भोक्ता नहीं हो सकता। और इसीलिए दोनों मिलके ही ये भोक्ता बनेगा। और इसीलिए आप समझ, आप जहां पर है, शिष्य जहां पर है, वहां जाके वहां से आरंभ करके उनको ब्रह्म तक ले जाना है। इंद्रियाणि प्रापराण्या हो इंद्रिय परम मन मनसस्तु परा बुद्धि ही। अब हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। हम जहां पर है वहां से ही श्रुति माता आरंभ करती है। और इसलिए कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क मुनि भी कहते हैं आत्मा का भोक्तृत्व प्रकट करते हुए वो आत्म तत्व क्या है, वो निर्विकारी चैतन्य है, उस प्रकार से निरूपण बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। तादृग आत्मानमारभ्य, तादृग मानी भोक्तापन, जो जिसने अपने को भोक्ता मान के रखा है वहां से आरंभ करके कूटस्थ शेषित श्रुतो, श्रुति माता में, श्रुति माता में इससे आरंभ करके जो विकारी है, जो अध्यारोपित है, एक एक को छोड़ के शेष क्या रह जाए, कूटस्थ शेषित। आप देखो आप सब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना पड़ेगा, विकारी से निर्विकारी की ओर हमें जाना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं श्रुति माता में भी वो जो भोक्ता आत्मा है, तादृगात्मनमारभ्य, भोक्ता आत्मा से आरंभ करके कूटस्थ शेष रह जाए, असंग चैतन्य जो कूटस्थ है वहां तक श्रुति माता हमें ले जाती है, वहां तक हमें जाना है। मैं असंग चैतन्य हूं, कूटस्थ चैतन्य हूं। देखो इसलिए मैं कह रही हूं कि वेदांत शास्त्र का श्रवण हम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा हमें शास्त्र दर्शाते हैं, वो यात्रा हमें अंदर करनी पड़ेगी। अन्योन्तरात्मा प्राणमय, अन्योन्तरात्मा मनोमय, ये क्या कर रहे हैं, जो बही है बाहर है उसे छोड़ते हैं और जो अंतरंग है, जो कूटस्थ है, उसे पकड़ना है हमें। और इसलिए कहते हैं श्रुति माता भी लौकिक दृष्टि जहां है वहां से ही आरंभ करके वो कूटस्थ चैतन्य तक हमें ले जाती है। आप देखो ये सबका निषेध करते करते बाकी क्या रह जाए, शेषिता बाकी क्या रह जाएगा, कूटस्थ चैतन्य बाकी रह जाएगा, उनका कोई निषेध नहीं कर सकता। भोक्तृत्व का निषेध हो सकता है, कर्तृत्व का निषेध हो सकता है, लेकिन उनका जो अधिष्ठान चैतन्य जो है उनका कभी भी वो शेष नहीं। आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि उस आत्मा से आरंभ करके जो सबका निषेध करते गए, बाकी जो रह गया वो कूटस्थ चैतन्य जो आप है। आप ये सब के बिना रह सकते हैं, लेकिन ये सबको आपका अधिष्ठानत्व की आवश्यकता है।
आप चैतन्य स्वरूप आत्मा के कारण ये देह है, आप चैतन्य स्वरूप आत्मा के कारण ही ये देह में चेतनता है। और इसलिए कहते हैं बाकी जो रहेगा कूटस्थ शेषित, बाकी रह जाएगा वो कूटस्थ है जो आप है, निर्विकारी है जो आप है। तो बोले कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब याज्ञवल्क ने ये कहा आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, राजा जनक प्रश्न करते हैं आत्मा कतम इति उक्ते, ये शरीर में कौन आत्मा है, आप देखो कैसा आत्मा है इति, जब ये प्रश्न करते हैं तो ये प्रश्न को देखकर कतम आत्मा, आत्मा का स्वरूप क्या है, कौन आत्मा है, देखो ये मैं पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, उनके ऊपर तो किसी की भी दृष्टि नहीं जाती, सब लोग की दृष्टि नाम और रूप पर ही है, मैं देह हूं, मैं मनुष्य हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, युवान हूं, वृद्ध हूं, लेकिन वो जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है उनके ऊपर हमारी दृष्टि कभी जाती नहीं है, उसे ये उपाधि में ही हम बैठे रहे हैं। और इसलिए कहते हैं आत्मा कतम, श्लोक पढ़ेंगे आत्मा कतम इत्युक्ते, आत्मा कतम इत्युक्ते याज्ञवल्क्यो विबोधयन्, याज्ञवल्क्यो विबोधयन् विज्ञानमयमारभ्य, विज्ञानमयमारभ्य असंगन्तं पर्यशेषवत्, असंगन्तं पर्यशेषवत्। जनक राजा याज्ञवल्क मुनि को पूछ रहे कतम आत्मा, आत्मा का स्वरूप क्या है, आप समझ क्या, कौन सा आत्मा, क्यों जो अपने को शरीर मन बुद्धि मान रहा है उनको तो जब हम आत्मा की चैतन्य की बात करते हैं तो उसको ऐसा लग रहा है कुछ और की बात कर रहा है। अनिद्रा में अनादि काल से जो ये निद्रा हमें अज्ञान रूपी निद्रा में हम सो रहे हैं, और इसीलिए वो आत्म चैतन्य की ओर हमारी दृष्टि पहुंचती ही नहीं है। चिदाभास में भोक्तृत्व में ही हम अटक गए हैं, और इसीलिए आज याज्ञवल्क मुनि प्रश्न पूछते, अरे जनक राजा प्रश्न करते हैं कतम आत्मा, कौन आत्मा है, और उसके उत्तर में याज्ञवल्क विबोधयन, याज्ञवल्क मुनि राजा जनक को बोध करते हैं, उपदेश करते हैं विज्ञान। तो वहां भी क्या किया, आप जहां पर है वहां से आरंभ करके गुरु को ऊपर ले जाना है, और इसलिए कहते हैं विज्ञानमयम आरभ्य योयम विज्ञानमय प्राणेषु इत्यादीना। इस प्रकार से ये आत्मा विज्ञानमय है, ये आरंभ करके असंगम तम पर शेषते, बाकी जो रहेगा ये सब का निषेध जब हम करते हैं बाकी परिशेषता, जो बाकी रह जाएगा वो क्या है, असंगम असंगो ही अयम पुरुष इति असंगम कूटस्थम परिशेषितवान इति। एक एक का आप निषेध करते जाएंगे, बाकी जो रह गया वो निर्विकारी कूटस्थ चैतन्य है, असंगो ही अयम पुरुष। तो ये शेष करना पड़ेगा ना, सामान्य जन की तरह हम लोग भी यही कर रहे हैं, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं युवा हूं, अभी एक विश्लेषण आया, देखो
मैं युवान हूं, मैं ज्यादा परिश्रम कर सकता हूं। और जो 60-70 के हो जाते हैं वो क्या सोचते हैं, शरीर की दृष्टि से थोड़ी दुर्बलता आती है और वो दुर्बलता के कारण हम क्या सोचते हैं, अब युवानी में जितना हम परिश्रम करते थे उतना परिश्रम अब हम नहीं कर सकते। तो विश्लेषण ये कह रहा है, अब देखो आप कितना परिश्रम कर रहे हैं उनके आधार पर आप क्या परिणाम सिद्ध करते हैं ये निश्चय नहीं होता है। अब देखो आप ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं और इसलिए आपको ज्यादा प्राप्त होगा ऐसा मत सोचो। शास्त्र में कहते हैं अगर परिश्रम से ही लोग धनवान हो जाएंगे तो रास्ते में जो काम करने वाले जो मजदूर लोग जो है वो तो धनवान होने ही चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयत्न परिश्रम तो वो कर रहे हैं, वो सब धनवान हो जाएंगे। परिश्रम आवश्यक है लेकिन परिश्रम भी आपको धनवान नहीं बने, परिश्रम के साथ कुशलता भी आवश्यक है। और इसलिए विश्लेषण में कहते हैं कि 60-70 के लोग जो है उनकी उपाधि जो है उनका शरीर है मन है थोड़ा ढीला हो जाता है, ढीला माने कि वो उनके काम में जितनी त्वरा होती है उत्साह होता है वो उत्साह थोड़ा कम होता है। जितना जल्दी वो युवानी में काम करता था उतना जल्दी उतनी त्वरा से वो काम नहीं करेगा, माने कि आपके काम करने की पद्धति जो है वो थोड़ी धीरी बन जाती है, धीरी हो जाती है। अब जो युवान है वो ज्यादा परिश्रम कर सकता है और अधिक परिश्रम कर रहे हैं इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि वो अधिक परिश्रम करने वाले हैं और इसलिए उनका उत्पादन जो है उनका परिणाम जो है अधिक आने वाला है। लेकिन विश्लेषण ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है। आप देखो भले आप 60-70 के हो गए हैं लेकिन 60-70 के लोग वाले जो है जितना उत्पादन कर सकते हैं उतना उत्पादन वो युवा लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है, उनके पास शरीर है, शक्ति है, उत्साह है लेकिन अनुभव नहीं है। और इसीलिए जब कभी भी कर्म में किसी भी प्रकार से कोई विघ्न आ जाता है तो वो विघ्न को कैसे पार करना है वो अनुभव उनके पास नहीं है। लेकिन जो 60-70 के उनके पास पूरे जीवन का अनुभव है और इसीलिए वो धीरे करते हुए भी अधिक उत्पादन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अनुभव है। अब तो ये युवान है, वृद्ध है, तो ऐसा मत मानना कि स्वामी जी अभी तो हम इतने को अभी क्या वेदांत पढ़ेंगे, कुछ भी कर सकते हो। हम जब आश्रम में गुरुकुल में रहकर पढ़ते थे हमारे साथ 4 या 5 ऐसे लोग थे जो रिटायर होके निवृत्ति लेके अपने काम से निवृत्त होके आए थे। उनमें से एक तो फिर ऋषिकेश महाचार्य भी थे, अभी भी हम अपरोक्षानंद जी अभी भी इतने उम्र अभी उनकी तो 90 के नजदीक हो गए फिर भी अभी भी वो प्रवचन करते हैं, क्लास लेते हैं। पहले तो वो 10 साल पहले तो वो चल के जाते थे, कैलाश आश्रम में जाके पढ़ाते थे, कहां कहां जाके वो पढ़ाते थे आप समझो। और हम लोग तो सीधा बोल देते अभी 60 के हो गए अभी क्या करना है। अब मैं युवान हूं इसलिए अधिक कर सकता हूं, आप युवान नहीं आप नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। हम क्या क्या अपने बारे में लगा के बैठे हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं हम लोग। और इसलिए कहते हैं
तादृगात्मनमारभ्य, इस प्रकार से आत्मा के बारे में जो हमने अभिप्राय बना के रखा है उस वहां से आरंभ करके विज्ञानमय है। आप देखो ये विज्ञानमय जो है वो आत्मा है, वो आरंभ करके असंगो ही अयम पुरुष है। आप असंग पुरुष है, अयम पुरुष है, ये पुरुष जो आत्मा जो है वो असंग है। तो विकारी से आरंभ करके निर्विकारी असंग तक हमें जाना है, स्थूल से आरंभ करके हमें सूक्ष्म तक जाना है। ये आंतरिक यात्रा है, आप समझ रहे, उनको बाह्य परिस्थिति से कोई संभव नहीं, कोई 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 किसी भी प्रकार से कोई उनका लेना देना है ही नहीं। देखो पूज्य स्वामी जैसे हमेशा कहते थे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो ना ये महत्व का है, आपका वय क्या है वो इतना महत्व का नहीं है। ये सब जो ये परोक्षानंद निवृत्त तो होके आए थे, संस्कृत पढ़े, अभी वो सबको पाणिनि पढ़ा रहे हैं। आप देखो और ऐसे वैसे लोगों को नहीं पढ़ा रहे, ऐसे बुद्धिमान लोग उनके पास पढ़ने को, बुद्धिमान नहीं स्वामी जी लोग भी उनके पास पढ़ने जाते। आप देखो तो हमें जो करना है तत्वज्ञान में, हमें जो करना है वो परिश्रम नहीं है, आंतरिक यात्रा है, आप समझो। और इसीलिए वो भोक्तृत्व से आरंभ करके असंग चैतन्य तक हमें जाना है। अनध्वन है, अब देखो इसीलिए कठोपनिषद में कहते हैं ये मार्ग रहित मार्ग है, क्योंकि आपको अपने पास जाना है। अब आपको अपनी ओर जाने के लिए कौन से मार्ग की आवश्यकता, फिर भी वो मार्ग है क्योंकि वो विज्ञानमय से आरंभ करके वो असंग पुरुष तक हमें जाना है। और इसलिए कहते हैं कि कूटस्थ शेषितः श्रुतौ विज्ञानमय प्राणेषु इत्यादौ बुद्धि साक्षित्वस्यापि। विज्ञानमय जो है प्राण है, वह भोक्तृत्व हम जो देख रहे हैं वो चैतन्य और चिदाभास दोनों मिलके, चैतन्य और चिदाभास मिलके ये भोक्तृत्व बनाते हैं। लेकिन जब हम चिदाभास देखते हैं वो चिदाभास का जो अधिष्ठान चैतन्य जो है, तो वो जो आत्मा है पारमार्थिकम एव। आप देखो आत्मा पारमार्थिक चैतन्य है, भोक्तृत्व पारमार्थिक नहीं है, भोक्तृत्व लौकिक है, व्यवहारिक है, आप समझो। और इसीलिए तादृग आत्मा, इस प्रकार से भोक्ता आत्मा से आरंभ करके हमें असंग तक जाना है, और वो श्रुति माता वही करती, उपदेश वही है, आप समझो। संपूर्ण उपदेश तो वही है, आप समझ, आप जहां है वहां से वो ब्रह्म तक, वो असंग कूटस्थ चैतन्य तक आपको जाना है। हम देख के गए तैतरीय उपनिषद में पंचकोश विवेक की प्रक्रिया है, उसी प्रकार से ये बृहदारण्यक उपनिषद में ये भोक्तृत्व जो है विज्ञानमय में जो भोक्तृत्व है वहां से आरंभ करके उसी को भोक्ता मान के वहां से आरंभ करके असंग तक गए, और उपदेश में शेषतः क्या कहा, असंगो ही अयम पुरुषः, ये शेष रह गया। सा काष्ठा सा परागति ही, कठोपनिषद में भी क्या कहते, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है, और एक बार आप सूक्ष्म आत्मा तक पहुंच गए, सा काष्ठा सा परागति ही, काष्ठा परम गति है, अंतिम गति है, आप सब उससे अधिक कुछ नहीं है। और इसीलिए ये जो यात्रा है ये भोक्ता जो है भोक्ता से आरंभ करके
चैतन्य असंग चैतन्य कूटस्थ चैतन्य निर्विकारी चैतन्य तक की यह यात्रा है, ये उपदेश है। और इसलिए कहते हैं कि आप जो भोक्तृत्व कह रहे हैं वो भोक्तृत्व लौकिक व्यवहार की दृष्टि से भोक्तृत्व है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भोक्तृत्व नहीं है, आत्मा असंग है। और इसीलिए ये दोनों मिलके हमें भोक्तृत्व दिख रहा है, लेकिन आत्मा को एक बार ये देहादि बुद्धि से आपने अलग करके रख दिया, फिर कोई भोक्तृत्व नहीं आते। और वो अलग जो करना है वो भौतिक रूप से अलग नहीं करना है। जिस प्रकार से अभिनेता जो है, अभिनेता की बुद्धि में वो अलगाव है, आप समझो मैं भिखारी नहीं हूं, आप देखो वो बोध है। उसी प्रकार से लौकिक व्यवहार होते रहेंगे, कर्तृत्व भोक्तृत्व दिखता रहेगा, लेकिन मन में क्या है, मैं भोक्ता नहीं हूं। लौकिक व्यवहार से भोक्तृत्व है, पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो भोक्तृत्व संभव नहीं है, आप समझो। और इसीलिए भोक्ता हम जिसको कह रहे हैं वो भोक्ता लौकिक दृष्टि से है, शास्त्रोक्त दृष्टि से या तो आत्मा की दृष्टि से भोक्तृत्व संभव नहीं है। और इसीलिए आगे कहते हैं ये जो बृहदारण्यक उपनिषद का जो वाक्य है, आत्मा कतम इति, वो आरंभ करके याज्ञवल्क विबोधयन आत्मा, याज्ञवल्क मुनि जनक राजा को ये बोध करते हैं। और इसीलिए एवं बृहदारण्य के असंग आत्मा परिशेष प्रकार प्रदर्श बोले कि बहु, आप देखो आगे कह गए ना, उद्घोषितम बहु, बहु माने अनेक श्रुति में दर्शाया, तो बृहदारण्यक उपनिषद में इस प्रकार से है, विज्ञानमय से आरंभ करके असंग पुरुष तक वो उपदेश है। उसी प्रकार से ऐतिर्यादि, अब देखो श्रुति अंतरेषु तद दर्शयति, वहां पर ये दर्शन कराते हैं, उपदेश करते हैं। श्लोक पढ़े, कोयमात्मे त्वेव माधो सर्वत्रात्मविचारतः उभयात्मकमारभ्य कूटस्थ शेष्यते श्रुतौ। अब ऐतिरी उपनिषद में उपासना, आप देखो बहुत सुंदर है। उपासना करने वाले जो है वो उपासना करते हैं, अब उनके मन में ये प्रश्न आता है, वयम उपासमा है कतरह सह आत्मा, जिस आत्मा की हम उपासना कर रहे हैं वो आत्मा जो है वो क्या है, कतर है। अर्थ वो आत्मा कैसा है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, तो कहते हैं कोयम आत्मा इत्येवम् आदौ सर्वत्र आत्मविचारतः। शरीर में इंद्रिय में जिस आत्मा की उपासना आप हमें दर्शाते हैं और जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, वो आत्मा कौन है, क्या है, आप समझो। ये प्रश्न जब पूछा तब क्या कराते हैं, आत्मविचारतः, आत्मा का विचार कराते हैं, और आत्मा का विचार करके उभयात्मकम आरभ्य, आप देखो वहां पर भी यही है, आत्मविचारेण अंतकरण उपाधिकम आत्मानम आरभ्य, अंतकरण में जो अहम बुद्धि करके बैठा है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं ज्ञाता हूं, तो वहां से आरंभ करके
प्रज्ञानम आत्मक प्रज्ञानम ब्रह्म। अब देखो महा महा ये बृहदाक उपनिषद में अयम आत्मा ब्रह्म ये महावाक्य है। ऐतिहासिक उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम माने पूर्ण चैतन्य स्वरूप, जो पूर्ण चैतन्य जो है वही ब्रह्म है। आत्मा जो पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा है वही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म इति कूटस्थः और आगे कहते हैं इसी प्रकार से एवं अन्यत्रापि द्रष्टव्यम्। तो इस प्रकार से हम जब श्रुति श्रवण करते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, तो ये अनेक श्रुति में शास्त्र श्रवण करके चिंतन मनन करके क्या होता है, भोक्तृत्व भोक्तुहु मिथ्यात्वम्, जो भोक्ता है भोक्ता के मिथ्यात्व का ज्ञान हमें होता है। पारमार्थिकस्य संगस्य कूटस्थस्य भोक्तृत्वं च सिद्धम्। और जो पारमार्थिक सत्य जो आत्मा है, जो असंग है, वो अभोक्ता है, वो भी सिद्ध हो जाता है। अब देख, और इसीलिए जो हम कह रहे हैं आत्मा का जब हम विचार करते हैं, आत्मविचारतः उभयात्म, दोनों को पहले भोक्ता मानते हैं और फिर एक निषेध करते करते प्रज्ञानम ब्रह्म असंगम ब्रह्म, और इसलिए कहते हैं उभयात्मकम आरभ्य कूटस्थ शेष्यते श्रुतौ। उसी प्रकार से जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो अभोक्ता है, और इस प्रकार से हमारे अनुभव भोक्ता से आरंभ करके हमें अभोक्ता असंग चैतन्य तक ले जाते हैं। जो बाकी रह जाता है वो आप है, जो असंग है, जो अभोक्ता है। और कहते हैं इस प्रकार से हमारे अनुभव जो है, देखो आप समझ गए, अनुभव है इसलिए वो सत्य नहीं होता है। आप समझो, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, आपका अनुभव है, लेकिन श्रुति माता आत्म तत्व का हमें विवेक विचार करा के समझाते हैं कि आप जो है वो अकर्ता अभोक्ता है। लौकिक दृष्टि से कर्तृत्व तो भोक्तृत्व है, आप समझ, इसीलिए ज्ञान के बाद भी, दृढ़ ज्ञान के बाद भी जो शेष प्रारब्ध कर्म है वहां भी कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो हमें दिखेगा, लेकिन जो ज्ञानी है वो अपने को कर्ता नहीं मानते। कर्ता का अस्तित्व आत्मा के कारण है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व कर्ता के कारण नहीं है, आप समझो। और इसीलिए जो शेष सिद्ध, जो शेष सिद्ध होता है वो तो क्या है, असंग आत्मा, पूर्ण असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, वही रह जाता है। और इसीलिए आत्मा में भोक्तृत्व संभव नहीं है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिन्महेशाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्त सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।